इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में एक अलग ही तरह का मामला देखने को मिला है, जिसे लोग अजूबा कह रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि रणजीत हनुमान मंदिर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। ये आदेश ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए लगाए गए हैं। इस मामले पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि इंदौर महापौर मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने इस बात पर ट्वीट करते हुए कलेक्टर को चुनौती दे दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं माननीय कलेक्टर महोदय को बधाई देता हूँ ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए, साथ ही चुनौती भी देता हूँ कि क्या वो ऐसी हिम्मत मस्जिदों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के लिए दिखा पाएंगे। रणजीत हनुमान इंदौर का वो प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंगलवार और शनिवार के अलावा भी यहाँ भक्तों का उसी तरह हुजूम देखा जाता है। लेकिन अब इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव ने, जो कि हनुमान मंदिर के प्रशासक भी हैं, उन्होंने आदेश जारी कर मंदिर में धारा 144 लागू करवा दी है, और इसके चलते मंदिर में लाउडस्पीकर और अन्य ऐसी चीज़ें जो ध्वनि प्रदूषण करती है चलाए जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन के इस कदम की सभी जगह बातें की जा रही है, और ये धार्मिक मुद्दा एकलव्य के ट्वीट के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके जल्दी ठंडा होने की उम्मीदें कम हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।